चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 11 PM शो में। और ये जो शो है आपको लेटेस्ट अपडेट्स देने के लिए बल्क में जो है लाइव किया जा रहा है। डेली बेसिस पे आपके लिए जो कंटेंट लेके आते हैं हम, प्रीमियर कर देते हैं ठीक है, या फिर कभी कभी लाइव भी कर देते हैं। आपको ये 11 PM पे जो शो मिल रहा है इसमें आज का टॉपिक है इंडेक्स एंड सबमिट अपडेट्स। तो अभी हाल फिलहाल में 20-23 में जितने भी इंडेक्स हुए हैं या सबमिट हुए हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। सभी एग्जाम्स के लिए डेली बेसिस में 11 PM पर एक कंटेंट डेली बेसिस पे मिलता है बल्क में। टेलीग्राम अमन सर टेक्स्ट बुक पे इसका PDF अवेलेबल है, इसको सर्च करके इसको ज्वाइन कर लें सो डैट कि आपको जो है पूरा कंटेंट मिल सके। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे मिल सकता है, ध्यान रखना कल करंट अफेयर भी होगा आपका सुबह 8 बजे इसी चैनल पे होगा ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए भी सुबह 8 बजे आप इसी चैनल पे आए, बल्क जो मैराथन होने वाली। चलिए, अभी एक इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई ठीक है, जो मतलब 2011 की अनुसार की रिपोर्ट जो है अभी लेटेस्ट में जो लॉन्च करेगी उसमें लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर जो है वो किस स्टेट का है। आंसर क्या इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए किस स्टेट का है आंसर क्या इस क्वेश्चन का। तो आंसर है दोस्तों मिजोरम का। किसका है? मिजोरम का है। क्वेश्चन आपको मिल सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। हाँ जी, इसमें से कौन सी यूनिवर्सिटी है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नंबर 1 कैटेगरी पे आई। US यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग आई थी ठीक है, उस हिसाब से नंबर 1 कैटेगरी में जो यूनिवर्सिटी रही है वो कौन सी रही है। आंसर इस क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी CU है ना। अच्छा क्वेश्चन आ सकता है ये ठीक है। वर्ल्ड का फास्टेस्ट जो वार्मिंग कॉन्टिनेंट है जिसमें वार्मनेस बढ़ती जा रही है ठीक है, सबसे ज्यादा बढ़ रही है वो कौन सा। रिपोर्ट आई है कि क्लाइमेट रिपोर्ट है उसके अनुसार कि इस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा वार्मिंग बढ़ती जा रही है, तो कौन सा कॉन्टिनेंट है। आंसर क्या इस क्वेश्चन। चलिए तो आंसर क्या इस क्वेश्चन है, आप अपना आंसर खुद भी कमेंट बॉक्स पर डालते रहा करो, इससे आपको भी प्रैक्टिस होती है। इन केस आपने चीजों को पढ़ा है तो आपको प्रैक्टिस भी होती है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स किसके द्वारा दिया जाता है। तो इंडेक्स किसके द्वारा दिया जाता है, ये सब सवाल बहुत बनते हैं। तो टेररिज्म की बात है तो टेररिज्म जो है पीस को खत्म करता है, तो आंसर क्या है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। हाँ, इधर वाले वर्ड को पीस को यूज करना है, पीस वर्ड को इधर से यूज करना है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, सिप्री रिपोर्ट आई, वर्ल्ड की लार्ज सिप्री हमेशा आर्म फोर्सेस और ठीक है आर्म से संबंधित लाती है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर कौन सा कंट्री बना था 2022 में, तो आंसर है इंडिया। इंडिया बहुत ज्यादा आर्म इंपोर्ट कर रहा है इसलिए इंडिया के ऊपर ये क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी ठीक है, इन्होंने 2 डेज का एक फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज, ये आजादी के अमृत महोत्सव में भी डिस्कस किया था, ये कहाँ पे जो है लॉन्च किया था फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज। अभी आजादी के अमृत महोत्सव में इसे लॉन्च किया गया था, मैंने एक क्लास में डिस्कस भी किया था है ना। आंसर वीडियो को शेयर भी कर देना सभी के सभी, रेगुलर देखोगे फायदा होगा। चलिए आंसर है दिल्ली में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आजादी के अमृत महोत्सव से संबंधित ठीक है। SAI 20 समिट जो है कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया, जल्दी से बताइए स्टेट कौन सी है जिसने जो है ये समिट जो है ऑर्गेनाइज किया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों, ये गोवा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी सिटी है जिसने बिम्स्टेक एक्सपो और कॉन्क्लेव, सिर्फ बिम्स्टेक एक्सपो भी याद रखोगे तब भी चलेगा, क्वेश्चन आ सकता है कि भाई बिम्स्टेक एक्सपो जो है किसके द्वारा जो है ये इनोग्रेट किया गया, किसके द्वारा ये होस्ट किया गया, क्वेश्चन आपको मिल सकता है ठीक है। बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, किसके द्वारा होस्ट किया गया आंसर क्या इस क्वेश्चन का। चलिए तो आंसर इस क्वेश्चन का कि कोलकाता के द्वारा ये होस्ट किया गया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कोलकाता के द्वारा। एक और क्वेश्चन देखिएगा, क्वाड समिट जिसमें देखो ये चारों देश क्वाड का हिस्सा, जापान USA इंडिया ऑस्ट्रेलिया। अब इन चार देश में क्वाड को जो होस्ट कर रहा है 2024 में वो कौन सा देश होस्ट कर रहा है। आंसर इज इंडिया, इंडिया के द्वारा होस्ट किया जा रहा है, इस वजह से मेजर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मेजर क्वेश्चन ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, हाँ जी अभी इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है ये किस 6th कॉन्फ्रेंस था, ये भी ध्यान रखना कि कौन सा कॉन्फ्रेंस 6th कॉन्फ्रेंस था। अब ये 6th कॉन्फ्रेंस जो है किसके द्वारा होस्ट किया जा रहा है, ये क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी के सब, जितने बच्चे देंगे बताइए। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये कॉन्फ्रेंस किसके द्वारा, बांग्लादेश के द्वारा ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, अभी देखो जैसे बुद्धिस्ट हेरिटेज ऑर्गेनाइज किया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुद्धिस्ट हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए किया गया था, तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ बुद्धिज्म ये जो है कहाँ पे, बड़ा फेमस लोकेशन है, किससे संबंधित है ठीक है, बुद्धिज्म से संबंधित आपको क्वेश्चन मिल ही सकता है, तो दिल्ली इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा,
वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट अभी हुआ, जिसमें देखिए जो साउथ की कंट्रीज है वो सभी जो है एकजुट हो रही हैं। तो वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो हुआ, जिसको होस्ट किया गया स्पेशली एक वर्चुअल समिट में, वो किसके द्वारा होस्ट किया गया? द आंसर इज इंडिया। देखो ज्यादातर मेजर समिट जो होते हैं या इंडेक्स होते हैं इंडिया से ही संबंधित पूछे जाते हैं। समिट तो ज्यादातर वही होते हैं जिसमें इंडिया मेजर रोल प्ले करे, है ना। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जो होस्ट कर रहा है, तो अब ये 20-23 को ऑब्वियसली आसान है, इंडिया ही आंसर है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि भाई शंघाई कॉर्पोरेशन SCO की समिट जो है कहां पे, तो इंडिया में। इंडिया ही ज्यादातर चीजें अगर होस्ट कर रहा हो तभी क्वेश्चन आपका जरूरी होता है, ठीक है। इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, अब ये अच्छा क्वेश्चन, कहां पे हुआ इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। तो बेटा इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहां पे, वो भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ, बताइए। सेमी कॉन इंडिया 2023, ठीक है। देखिए हम सेमी कंडक्टर्स को जो है प्रमोट करेंगे, इंडिया में सेमी कंडक्टर बनाए जाए, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने 15 अगस्त के नारे में भी इस चीज को बोला था, तो उसके लिए सेमी कॉन इंडिया 2023 भी हुआ, ठीक है। तो ये कहां पे हुआ, गांधीनगर यानी कि गुजरात। तो ये देखो ये जो हमने क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करे, तो ये क्वेश्चन आपके स्पेसिफिकली ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको इंडेक्स समिट से संबंधित 100% मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप यूटिलाइज कर भी सकते हैं, क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी एग्जाम से संबंधित आपको मिलेगी वो है करंट अफेयर, जो कल मिलेगा, ठीक है। अमन सर टेक्स्ट बुक चैनल सर्च कर लो, आप क्या करो ये टेलीग्राम सर्च करो अमन सर टेक्स्ट बुक, ठीक है। सर्च करते ही आपको जो है मिल जाएगा, चैनल भी ग्रुप भी दोनों में जुड़ जाना, ठीक है। सो डेट कि आपको इसका PDF भी मिले, और सबसे ज्यादा जरूरी है करंट अफेयर का लेक्चर जो कि कल सुबह 8 बजे होने वाला है। इतना कुछ जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना, इन सब का कंपाइलेशन भी आपको एक बार ही पढ़ना चाहिए, वो जरूरी है, ठीक है। दैट कंपाइलेशन विल कम एट, ठीक है, अराउंड 8 AM सुबह 8 बजे, ठीक है। और बाकी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, देखिए सब्सक्रिप्शन भी इम्पोर्टेंट है, अगर आपको बेनिफिट उठाना है तो आप सब्सक्रिप्शन भी लें। जैसे मान लीजिए आप SSC गोल में जा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे SSC गोल है स्पेसिफिकली SSC CGL में गए या फिर SSC के AEJ में गए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी मैं आपको ना SSC का AEJ का बता देता हूँ, ठीक है, एग्जाम के सुपर कोचिंग में ये, ठीक है। तो सीधा है कि आप स्पेसिफिकली कोई सा भी गोल चूज कर सकते हैं, तो मैं आपको एक स्पेसिफिकली ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, एक कोड लगा के अमनदीप कोड लगाना है, जिससे आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और टेलीग्राम पे भी इसका लिंक दे रखा है। देखो हमने जो ये सीरीज 11 PM की शुरू करी है ना, ये इसलिए है कि अगर आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर नहीं देख पाते, तो आप क्या करें कि आप एक पर्टिकुलरली किसी भी टॉपिक के टॉपिक का थंबनेल पे नाम तक लिख दे रहे हैं कि हाँ ये टॉपिक है आपका, इसको आपको रिवाइज करना है। तो वही चीज मैं आपके लिए कर रहा हूँ कि मैं आपको चैप्टर वाइज चीजें करा रहा हूँ, ठीक है, चैप्टर वाइज चीजें करा रहा हूँ कि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। तो इसका PDF भी मैं एक साथ, जैसे ये सीरीज खत्म होगी तुरंत ही मैं आपको इसका एक बल्क PDF दे दूंगा, और करंट अफेयर भी मैं आपको करा दूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और बाकी सुबह मैं 8 बजे पढ़ाता हूँ, ठीक है। 8 बजे आप अर्जुन बैच में आ सकते हो, कल मैराथन में आ सकते हो, सुबह 8 बजे की टाइमिंग फिक्स है। अगर आपको लाइव आके पढ़ना है 1.5-2 घंटे आराम से, GK की कवरेज आपकी सुबह होती है इस चैनल पे, जो मेजर मैं सुबह कवरेज कराता हूँ करंट अफेयर की और स्टैटिक GK की और हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, तो मतलब पूरा GK आपका जो है सुबह ही कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस टाइमिंग को यूटिलाइज करिए, सुबह 8 बजे कल भी आइएगा और टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से। अगर आपको सब्सक्रिप्शन भी लेना हो तो वो भी अवेलेबल करा दिया गया अमनदीप कोर्ट से, ठीक है, आपको वो सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये सब चीजें यूटिलाइज करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।